व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कई फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं आईपीएल में। जैसे कि युवराज सिंह की बात कर लो, पंजाब के लिए वो खेले हैं, आरसीबी के लिए खेले हैं, मुंबई के लिए खेले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले हैं, पुणे वॉरियर्स के लिए खेले हैं। ऐसे ही गाइस हमारे दिनेश कार्तिक भी हैं, पार्थिव पटेल हैं, एरन फिंच हैं, बहुत नाम हैं जिन्होंने कई फ्रेंचाइजीज को जो है वो रिप्रेजेंट किया है आईपीएल में। लेकिन गाइस मैं आपको ऐसे 5 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि केवल एक ही टीम की तरफ से खेले हैं। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया आईपीएल में वो केवल एक ही टीम की तरफ से खेले हैं। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, इस चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए गाइस भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूं। गाइस नंबर 1 पर मैंने रखा है बूम बूम जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ गाइस, जसप्रीत बुमराह ने जो है वो 2013 में अपना आईपीएल का करियर शुरू किया था मुंबई इंडियंस की तरफ से। और गाइस तब से लेकर अब तक बूम बूम बुमराह मुंबई इंडियंस की शान बने हुए हैं। उन्होंने गाइस आईपीएल की वजह से इंडिया टीम में भी डेब्यू किया, अपना इंडियन टीम में भी अपनी जगह पक्की की और आज गाइस दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर बने हुए हैं जसप्रीत बूम बूम बुमराह। और मेरे को यही लग रहा है कि ये जो 5 प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा ना गाइस, ये एंड तक उसी टीम के लिए खेलेंगे जिस टीम के लिए ये अभी खेल रहे हैं। और बुमराह का भी यही सीन है गाइस, मेरे को लगता नहीं कि मुंबई कभी भी इन्हें फ्यूचर में भी कभी रिलीज करने के बारे में सोचेगी भी। नंबर 2 पर गाइस मैंने रखा है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को। जी हाँ गाइस, 2016 में दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को मात्र 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। और आज देख लीजिए गाइस, दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी कर रहे हैं, इंडिया के मेन प्लेयर बने हुए हैं और ऋषभ ताबड़तोड़ पंत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जब भी आईपीएल होता है। तो डेफिनेटली गाइस ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को मैंने रखा है नंबर 2 पर। नंबर 3 पर गाइस मैंने रखा है विराट कोहली, किंग कोहली, रन मशीन कोहली। गाइस जब से आईपीएल शुरू हुआ है ना 2008 से लेकर अब तक आरसीबी की आन बान और शान बने हुए हैं विराट कोहली, किंग कोहली। वहां पर इनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े और भी नाम आए, डिविलियर्स आए, क्रिस्टोफर हेनरी गेल आए, अभी मैक्सवेल खेल रहे हैं। लेकिन गाइस सभी आते हैं जाते हैं लेकिन किंग कोहली अभी भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। और गाइस किंग कोहली ने ये दावा भी किया था, उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि बहुत सारी टीमें उन्हें बोल रही थी, बहुत सारी टीमों ने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले कि आप ऑक्शन में आ जाइए, हम आपको बाय करेंगे, भारी भरकम रकम देकर बाय करेंगे। लेकिन गाइस जैसे कि केएल राहुल ने पैसों की वजह से पंजाब किंग्स को छोड़ दिया, वैसे विराट कोहली नहीं करना चाहते आरसीबी के साथ और ना ही कभी वो करेंगे। और उनकी लॉयल्टी देखकर गाइस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस विराट कोहली जब तक आईपीएल में खेलेंगे आपको आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर गाइस मैंने रखा है काइरन पोलार्ड को, द बिग शो। गाइस 2010 में मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपए में जो है वो काइरन पोलार्ड को अपनी टीम में शामिल किया। और अभी गाइस मुंबई इंडियंस के वाइस कैप्टन भी हैं, जब भी रोहित शर्मा नहीं होते कैप्टनसी भी करते हैं, एक मेन सदस्य बने हुए हैं काइरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की टीम के। और गाइस आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2009 में जब काइरन पोलार्ड ने अपना नाम आईपीएल ऑक्शन में दिया था वो अनसोल्ड चले गए थे। जी हाँ गाइस, काइरन पोलार्ड वेंट अनसोल्ड इन 2009 आईपीएल। एंड उसके बाद जब से मुंबई में आए हैं गाइस आपको पता है कि उनके लिए एज अ फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, मिडल ऑर्डर में आकर तकड़ी पावर हिटिंग करते हैं, बॉलिंग उनको करके देते हैं, जबरदस्त फील्डर हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, मुंबई ने नहीं छोड़ा और छोड़ेगी भी नहीं इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है। नंबर 5 पर गाइस मैंने रखा है सुनील नारायण नारायण। गाइस 2012 में कोलकाता में आए थे और 12 से लेकर अब तक कोलकाता की ये दिल जान धड़कन बने हुए हैं सुनील नारायण। और आंद्रे असल को कभी भी कोलकाता नहीं छोड़गी, हालांकि आंद्रे असल पहले दिल्ली की तरफ से खेल चुके हैं इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं है। सुनील नारायण गाइस आप जब 2012 में आए थे तब प्रॉपर ये एज अ बॉलर आए थे, काफ़ी अच्छी ये मिस्ट्री बॉलिंग करते थे, इनकी बॉलिंग समझ पाना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे टाइम गया इनकी बॉलिंग में लोगों को समझ आनी शुरू हो गई। लेकिन गाइस फिर ये अपने बैट से भी कंट्रीब्यूट करने लगे। 2016-17 का सीज़न मुझे याद है गाइस, ये ओपनिंग पर आते थे, क्या ताबड़तोड़ पारियाँ खेलते थे। और अभी भी कोलकाता की जो मेन टीम का हिस्सा है सुनील नारायण। तो गाइस ये 5 प्लेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, किंग कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत,
कायरन पोलार्ड, सुनील नारायण। तो गाइज ये पांच प्लेयर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, कोहली, बुमराह, पंत, नारायण एंड पोलार्ड। गाइज ये पांच प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में केवल एक ही टीम को रिप्रेजेंट किया है इससे पहले। गाइज क्या आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट करके बताइए, अगर पता था तो भी कमेंट करके बताइए। और गाइज इन पांच प्लेयरों में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है नीचे कमेंट बॉक्स खोलें अभी करके बताइए। और गाइज हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।